दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करके अपना कैश सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको मोबाइल से ऑनलाइन सर्टिफिकेट अप्लाई करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो दिखाने वाला हूं, और आप हिंदी में किस तरीके से टाइप कर सकते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोबाइल से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको ऑनलाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा सर्विस प्लस। आप सर्विस प्लस टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आपको सर्विस प्लस टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर आपको जो वेबसाइट मिलेगा आपको सर्विस प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इस वेबसाइट का जो इंटरफेस आपके सामने नज़र आ जाता है। तो ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं वाले ऑप्शन में। पहले नंबर पर ही सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर आवासीय प्रमाण पत्र आपको अप्लाई करना है रेसिडेंस सर्टिफिकेट तो पहले नंबर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए नीचे जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिया गया है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस स्तर पर अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट वो अप्लाई करना चाहते हैं, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर करना होगा, उसके बाद ही आप अनुमंडल स्तर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो अगला इंटरफेस जो आपके सामने डिस्प्ले होगा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्म आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, उस सभी ऑप्शन को फिलअप करना है सही ढंग से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी जेंडर होगा मेल फीमेल आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना इंग्लिश में नाम टाइप करना है, जो भी आपका नाम होगा उसे इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है आवेदक, आवेदिका का नाम यहाँ पर हिंदी में आपको लिखना है यानी टाइप करना है। तो यहाँ पर जैसे आप हिंदी में टाइप करेंगे तो हिंदी में टाइप करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में यहाँ पर जो इंग्लिश दिया रहता है आपको इसके ऊपर प्रेस करके होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग में जाएंगे और वहाँ पर अपना जो इंग्लिश यानी हिंदी जो ऑप्शन है हिंदी लैंग्वेज आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। अब जो भी यहाँ पर इंग्लिश में आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में होगा, बस आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका फादर नेम है आप उसे यहाँ पर डालेंगे इंग्लिश में, और सेम फादर नेम आप नीचे हिंदी में इंटर कर लेंगे। उसके बाद अपना मदर नेम इंग्लिश में यहाँ पर डालना है, वही नाम आपको अपना मदर नेम यहाँ पर हिंदी में डालना है। अब यहाँ पर अगर पति है यानी फीमेल के कर रहे हैं उसका हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप बिना इसके भी फॉर्म को आगे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है क्योंकि आपके उस नंबर पर मैसेज सेंड कर दिया जाता है जैसे आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है, बन जाता है, और उस पर एक लिंक भी दे दिया जाता है, उस लिंक के जरिए आप आसानी से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर राज्य का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना राज्य जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अनुमंडल के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका अनुमंडल होगा आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। प्रखंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर प्रखंड का लिस्ट आ जाएगा, आपको अपना प्रखंड सिलेक्ट कर लेना है यानी ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पर होगा ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत तो आप अपने अनुसार यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर वार्ड नंबर पूछा जा रहा है तो वार्ड नंबर अपना जो भी होगा इंटर कर लेंगे, नहीं अगर नहीं जानते हैं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर गांव शहर का जो नाम होगा वो डालेंगे, यहाँ पर जो भी आपका पोस्ट ऑफिस नेम होगा वहाँ पर यहाँ पर इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऊपर के जैसा सेम ऐसे एबब वाले ऑप्शन पे यहाँ पर जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आप इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, जो भी ऊपर आपने फिलअप किया है सब कुछ यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक नीचे जो है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। बस ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है तो यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि फोटो अपलोड करना होगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहे तो कैमरे पर क्लिक करके डायरेक्टली फोटो क्लिक कर सकते हैं, अगर पहले से फोटो है तो यहाँ पर मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका गैलरी है ओपन हो जाएगा, जहाँ भी फोटो है आपका उसे आप यहाँ पर यानी
अपलोड कर लेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका फ़ोटो है उसका जो साइज़ है वो 350 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आपका फ़ोटो होना चाहिए तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। उसके बाद पेशा वाला ऑप्शन में जो भी होगा आपको यहाँ पर पेशा सिलेक्ट कर लेना है, अपने अनुसार देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका कैटेगरी हो गया अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो जो भी होगा आपको अपना जो यहाँ पर जो भी है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना यहाँ पर जाति वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका जाति होगा आपको इस लिस्ट में से जो भी आपका जाति है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर अति अनुक्रमांक का सीरियल नंबर, ये ऑटोमेटिक जैसे ही आप जाति सिलेक्ट करेंगे ये फिलअप हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद डायरेक्टली आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं इस तरीके से एक वेरिफिकेशन नंबर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वर्ड वेरिफिकेशन, आप इस नंबर को इस बॉक्स में डालेंगे और डालने के बाद नीचे पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले इंटरफेस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बार फॉर्म का यानी जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया उसके प्रीव्यू शो किया जाएगा। आपको नाम अपना सभी सही चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर अटैच एनेक्सर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो दे दिया जाता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पर जो भी आपको देना है आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना मीडिया वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट होगा आप उसे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने अगला इंटरफेस जो दिखाई देगा, अगला इंटरफेस इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में मैंने आधार कार्ड अपलोड किया तो यहाँ पर आधार कार्ड शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्टली नीचे सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देते हैं तो जो भी आपका फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा और एक आपको रिसीविंग मिल जाएगा जिसे आपको अपने PDF में अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है और आसानी से अपना बिल्कुल इजी तरीके से इस तरीके से अपना कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके अप्लाई करके आप घर बैठे बनवा सकते हैं।